हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। तो यार जो वीडियो देख रहा हूँ वो है रिएक्टिंग टू अभिषेक क्यूट मोमेंट। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई दुपट्टा देख रहे हो मेरे पास है, ये दुपट्टा यस आई नो देख लिया। आई एम ग्लैड तुमने देखा, तुम्हारा पार्ट ने जीता। वाह वाह वाह, मजाक करो। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता देता हूँ कि मैं बिग बॉस के घर में गया था 60 days के लिए, और वहां पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी, लाइक बेस्ट बडी। मतलब उसने मेरा इतना ध्यान रखा, इतना प्यार किया मुझे पूरे घर में, लाइक डे वन से शी हैज बीन माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो उसके साथ जो मेरे क्यूट मोमेंट्स हुए घर के, वो वाले मोमेंट्स पे आज रिएक्ट करने वाला हूँ। ये दुपट्टा उसी का है, इस दुपट्टे ने मेरा बहुत साथ दिया है, चाहे वो कैप्टेंसी टास्क हो या जब मेरा सर दर्द हो, लाइक एवरीथिंग। दुपट्टा इज वेरी स्पेशल टू मी। एंड मैं पहले बता देता हूँ, देखो आई एम अ सिंगल गाय, मेरा कोई लव एंगल नहीं है किसी के साथ भी, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरे घर की, मनीषा रानी। इसके लिए मन में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है, और मैं इसके साथ एक बहुत प्यारी प्यारी वीडियो लाने वाला हूँ मेन चैनल पे। तो मेन चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर ऐसे हम रिएक्शन वीडियोस करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे क्यूट मोमेंट्स। इसे पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है। अच्छा सही बात है, अभिषेक आ रहा है। अभिषेक अपने आप को क्या ही समझता है, तेरे को तो हम समझते ही नहीं है। यही ना मैं बोला ना, तू तो बोला थोड़ा सारी पानी अरे मादर इंडिया देख लिया था। अरे बहुत तेज है ये फिल्म, बहुत तेज, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, और जेन्युइन बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा प्यारी। इसकी और मेरी हाइट में इतना फर्क था, मैं 6'3" ये 5'3" है। व्हेनेवर शी फील्स अलोन ले हिम ट्रीटिंग लाइक हर लाइक अ बेबी, यार छोटा बच्चा ही है जेन्युइन। तेरी यादों में ये कलम लिखता रह गया। मुझे ऐसा लगता था जेन्युइन एक 15-16 साल का बच्चा है जिसका मैं ख्याल रखता हूँ, मतलब वैसे वो 15-16 साल का बच्चा मेरा ख्याल रखती है, बट जैसे जब वो लड़ाई करती है वो अपसेट होती है, फिर मुझे सीधा ऐसे लगता है ओ बेटा मान जा प्लीज मान जा, ठीक है। नेक्स्ट, गिव हिम योर दुपट्टा। ये सही है, इसने अपना सॉन्ग लगा दिया। यस मेरा माथा में ना ये देख रही थी इक्वालिटी बेटा, इधर हाथ भारी होता है यार लड़कों का। मजाक मजाक जोर से लगी हो, खेत की बोली है तू कितना भी लड़ ले। मदर इंडिया, अरे मदर इंडिया क्या करती है मदर इंडिया यार। आई एम मिस बिग बॉस, खनभान भी अगर बने मदर इंडिया। वैसे तो बहुत खतरनाक जगह है, बट फिर भी आई मिस इट बिकॉज़ ऑफ हर फॉर श्योर। तू लगाया क्या था मेरी बॉडी पे तेरी हंसी पे? दोनों सरसों का तेल नहीं होता है, सरसों का मस्टर्ड ऑयल, उसको गरम करके और उसमें लहसुन डालते हैं, क्योंकि लहसुन से गर्मी आती है। तो हम दिमाग लगाए कि यहाँ तो सरसों तेल नहीं नारियल तेल है, नारियल तेल भी तो बॉडी में लगाती है, तो नारियल तेल को गरम करके उसमें लहसुन काट करके दिए थे, फिर लगाए। यार तू ना लगी है मस्त है तू एकदम। यस क्या बात, मनीषा जितना केयर करती है कोई नहीं करता, आई स्वेयर। बढ़िया इसका कुछ ही आई स्वेयर, द मोस्ट केयरिंग गर्ल आई हैव एवर सीन, एंड एक्चुअली आई कॉल दिस अ प्योर बॉन्ड। जेन्युइन, मतलब हमारे को कोई एक दूसरे से कोई ऐसा लालच नहीं था कि भाई तू मेरे लिए ये कर मैं तेरे लिए करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो भी था ऑटोमेटिक हुआ, प्योर बॉन्ड हुआ, डे वन से हुआ, अब तक हुआ, आगे पूरे लाइफ तक रहेगा। और जेन्युइन बताया हमारे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर लोग हमारा भीषा टैग बना रहे होंगे, लोगों को हमारा बॉन्ड इतना पसंद होगा, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जिनको हम पसंद आए। हम हमेशा दोस्त रहेंगे मैं और मनीषा, दिखाए ना दिखाए ये देखो, ये तो मैं इसको ऐसे उठा रहा हूँ जैसे मतलब कोई बच्चा है। बात करूं तू इतनी सोनी लगती रहती फ्रेंड, तो इतना बात चाहिए प्योर बॉन्ड। तू एवें मुंडे नु हुन इन्ना ना तड़पा, ना कोई करनी तेरी जिन्ना मैं करदा। क्या ही क्यूटी क्यूटी मोमेंट्स है रा फॉलिंग मी एंड हु, ओ भाई साहब स्पीयर F5। ये चुवार को नहीं पता तो मैं इसको यहाँ पर WWE सिखा रहा था, और फिर ये मेरे को मार रही थी और पीछे से जी आके बाहर 2-3 कर रही थी। मैंने इसको प्रॉपर सिखाया कि स्पीयर रोमन रेंस कैसे मारता है, और मोमेंट्स अच्छे हैं। बेटा बुआ सेम टू सेम मेरी तरह से बुआ बोलते थे, मुखिया बोलते थे, मुखिया तो मैं अभी बोलता हूँ। बच्ची लग रही है
मेरे को तेरा ये वाला शर्ट देना ना कल पहनने, ठीक है? मेरे को अच्छा लगा ये शर्ट, मेरा दिमाग कम है समझ। एलिवेशन हार छीलते हो हमेशा की तरह। मजाक कर रहा हूँ मैं बच्चा, तू मेरे लिए नंबर वन है मेरे बच्चो, मेरे नंबर वन है बच्चा। वक्त के साथ, वक्त से पहले वक्त के बाद। वाह क्या लाइन मारी। हम रहेंगे तुम्हारे साथ। वक्त से पहले वक्त के बाद, वक्त के साथ हमेशा हम रहेंगे तुम्हारे साथ। ये तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट करा। वक्त से पहले वक्त के साथ, वक्त के बाद हमेशा हम रहेंगे तुम्हारे साथ, एंटरटेन करते हुए। ओए यार बहुत हो गया। दिस मेड मी बिलीव इन फ्रेंडशिप अगेन। हां निकलिया कर यार, मैं इसको स्विमिंग करना सिखा रहा था। आई Yes, friendship goals. Best friend forever for all you guys out there and girls out there. मेरी लाइफ में मेरे लिए मनीषा है, आपके लिए कौन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट फ्रेंड? कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो उनको इंस्टाग्राम पे ये वाली रील काट के टैग करो कि तुम हो मेरे लिए अभिषेक की मनीषा या मनीषा का अभिषेक। Their reaction when मनीषा came wearing a साड़ी। आए कितने खुश लग रहे हैं ना उसको साड़ी देख के, तो लग लौंडा ही हुआ। Someone is close to your best friend. एलविश क्या बाल बना रही है, मनीषा कह रही है हाय हाय। रिएक्शन देखो, ओए ये रिएक्शंस तो मैंने कभी देखे ही नहीं यार, बट आई लाइक इट। मनीषा ऐसे कर रही है, मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई नहीं छुएगा। छुछुंदर बेशरम, आंख से काना कर दिया, आंख से काना कर दिया साला, आंख में मंगा एकदम चट। और तूने जो गाल पे मारा, कोई गाल पे नहीं मारा, गाल पे ऐसे मारा है, ऐसे मार जितना मारना है। हां तो आंख भाई ये बहुत दर्द होता है भाई, मतलब अगर तुम करो किसी को तो दर्द होती है। Yes, oh, I know. Man, I miss those fights, cute little fights. I swear, मतलब जब ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, मेरी से बात भी हुई थी, तो इसने मेरे को बताया कि कह रही है भाई मुझे नहीं पता था मेरी वीडियो बन रही है, एंड उसने मेरे को बोल के गई थी ये कि मैं तेरे नाम की भी चुन्नी चढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले प्लान हमारा था हम दोनों जाएंगे सिद्धि विनायक बिग बॉस के बाद, बट मुझे डेंगू हो गया था इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा पाया। जब ये वीडियो मेरे पास आया, मतलब तुमने बिग बॉस में क्या जीता, एक मनीषा रानी जैसी दोस्त जीती भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कोई आपके नाम की चुन्नी चढ़ा रहा है। द एक्शन, ये टास्क में बेबिका ने बहुत गलत किया था, धक्का ट्रॉफी एंड वो रोने लग गई थी। मार के रिएक्शन निकालना होगा ना बंद, मैं एक बार में ऐसा धक्का मारूंगा ना तेरे को पूरी जिंदगी याद रहेगा कि किसी ने धक्का दिया था। मैं तो बहुत गुस्सा हो गया था यहाँ पर बहुत ज्यादा। व्हेन हर चॉइस मैटर्स हिम, ये मैं उससे पूछूंगा कि कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है, मैं उससे पूछता रहता था। पीओवी, दे आर क्यूट टुगेदर। यह वाले टास्क में उसने मेरे को लड़की बनाना था, क्या बन गया यार, क्या क्या करके आया हूँ मैं बिग बॉस शो के लिए यार। कितना गंदा मेकअप करा है, अभिषा वाला लॉकेट पहन रखा है, ओए अच्छा किया था। हैशटैग वायरल कर दो भाई अभिषा। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, उसने मेरा लॉकेट नहीं उतारा, मैंने उसका दुपट्टा नहीं उतारा। ये यहाँ पे सबको पता है मेरा बस एक ही सच्चा जो दोस्त है एकदम, वो अभिषेक तो हम सबके सामने बोलते हैं, बाकी हम घर का घाट का नहीं, हम एक ही का है। हाय 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 नाइस, वाह क्यों समझता, फ्रेंडशिप गोल्स हो गए क्या हमारे, मार के फाड़ सकते हैं मुंडे नु हुन एना ना तड़पा ना कोई करनी तेरी जिंदगी। क्या बात है क्या बात है, मेरे को हमारी जोड़ी विक्रम बेताल वाली जोड़ी भी लगती है कसम से, कि हम एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते ना ऐसे पेयर लड़के हो। अच्छे मोमेंट्स हैं यार। अच्छा मैं अभिषेक को देख रही हूँ, मोमेंट देख ज्यादा।
सारे क्यूट मोमेंट्स यहीं पर आ गए। दिस वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द अनीशा लवर्स। अनीशा जी है हमारे पेड़ के नीचे बैठ के दूसरों की चुगली करने वाली आंटी, जो ये बोलती है शर्मा जी के बेटे के तो 95% है, मेरा वाला 94.55 पे क्यों अटक गया। मनीषा जी के सिर्फ दो ही रूप है, एक तो एकदम सरल संस्कारी सुशील भारतीय नारी और एक एकदम शीला की जवानी। आपकी कुछ लड़ाइयां इस घर में इतनी ही रियल है जितनी जिया और जैड का प्यार है। और इन दी एंड आई वुड लाइक टू से टू मनीषा, नॉट एवरीवन इज रोस्टेबल, सम आर लवेबल एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। आई क्या क्यूट हूं यार मैं, अच्छी-अच्छी क्यूट मार दो यार। बड़ा ऐसा होता है ना, तुम्हारा लिमिटेड टाइम मिला होता है उसमें लिखना होता है तो फिर तुम ऐसे अच्छी-अच्छी बातें बोल देते हो। मतलब रोस्ट तो मैंने बहुत अच्छे-अच्छे करे बट मनीषा को मैं रोस्ट कर ही नहीं पाया कभी। बस एक दो लाइंस अच्छी-अच्छी बारी थी मैंने, जो मैंने बोलता कि बिग बॉस के घर में बंदर क्यों नहीं आता, क्योंकि उनको लगता कि मनीषा उनसे फ्लर्ट ना कर ले। पॉजिटिव प्यार नहीं आ रहा विच में, यार नहीं आ रहा विच में, सजन जे साथ ना होवे, लोका दे ताने अलावी, यार नु गम ना होवे, अखियां विच दिन ते रात इज आउट ऑन बलहन रिकॉर्ड्स। गो चेक इट आउट माय फ्रेंड, बलहन रिकॉर्ड्स यहां पर आ रहा होगा, जल्दी जाके देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल से दिस अगेन एंड अगेन, मनीषा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। हमारे को सोशल मीडिया पे बार बार अपना प्यार अपनी दोस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है लोगों को लगता है कि हम बेस्ट बडीज थे हैं रहेंगे, लाइक द वीडियो। जिनको लगता है कि हम बदल गए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत गलत सोचते यार, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारी बहुत चीजें आएंगी, म्यूजिक वीडियोस भी आएंगी साथ, बहुत सारी चीजें आएंगी एंड वी विल ऑलवेज स्टे बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। ओके बाय बाय। अच्छा था यार वीडियो, है ना, काफी उन्होंने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं और अच्छा लग गया। ऑब्वियसली एक बॉन्ड है जो वो खुद देख रहा था, उसके रिएक्शन देखने का अपना ही मज़ा था। तो अच्छी लगी, मिलते हैं वीडियो में।